एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिन सोबत सिर उठाए के करसी बीच सयन करसी बीच सयन। प्रकरण 25 चौपाई 615। भट परो निंद मोह की अचराती धाम धरी ने इस प्रकाशवाणी के अंदर हमारे लिए कसौटी रखती है कि हम क्या वास्तव में परमधाम की परमात्मा है। एक लेसी सुख सुहाग का सोई सुहागिन, सुल्तान का सुल्तान के सुहाग का सुख लेने का जिसको अवसर प्राप्त हो गया वही ब्रह्मात्मा है शेष ने। कितनी बड़ी कसौटी है। सुहागिन का सुख क्या होता है? अपने प्राणेश्वर को देखना। किसी भी बहन से पूछिए क्या तुम्हारा विवाह हो गया है, कहेगी कि हाँ। पूछा जाएगा उनका नाम क्या है, कह दे कि मैं नहीं जानती। वो कैसे हैं, क्या तुमने देखा है, कहा कि नहीं जानती, मुझे मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या तुमने कभी बातें की हैं, चुप्पी रहने के सिवा कोई साधन नहीं। तो क्या कोई कहेगा तुम झूठ बोल रही हो। हमारा दिल वाणी को पढ़ता है, वाणी की हम अच्छी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन अंतः चक्षु हमारे बंद है। हमने अंतः चक्षुओं से जिसकी वाणी की हम व्याख्या कर रहे हैं उसको कभी देखा नहीं, उससे प्रेम की बातें नहीं की और उसकी बातों को सुना नहीं, तो हम यथार्थ में सुंदर साथ कहलाने के क्या अधिकारी हैं। ये बहुत कठोर बातें हैं लेकिन सच है। तभी तो वाणी में बार बार कहा, रो नैनो दीदार कर, रो जुबां हक सो बोल, रो कानो बातें सुने, यही पटरों का अर्ज का खोल। मेरी इस कठोर बात से कोई सुंदर साथ आहत न हो तो क्या हम सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हैं? नहीं है। हैं आप, लेकिन आपसे ये आशा की जाती है कि आप इस तन के छूटने से पहले राज्य को अवश्य देखें। देखना शब्द नहीं कह रहा हूं, अवश्य देखना आपका नैतिक अधिकार है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको गुनाह लगेगा। ये प्रकरण चल रहा है सुहाग, ये कातनी का प्रकरण। कातनी का तात्पर्य क्या है? जैसे सूत काटा जाता है, सूत काटने में क्या चाहिए? एक तकला चाहिए और रुई चाहिए। रुई और तकले के मेल से सूत काटा जाता है। सूत काटना प्रेम का सूत काटना, तकला है इल्म, रुई है ईमान। इल्म और ईमान के मेल से प्रेम का सूत काटना है। आइयां कातन वालियां, सबने तो इस प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से गाया है, हम जानते भी हैं। सुंदर साथ को इस प्रकरण में रुचि आती है तो यहाँ संसारिक दृष्टि जो रुई काटी जाती है यह प्रसंग नहीं है, प्रेम रूपी सूत काटने का प्रसंग है। इंद्रावती जी की आत्मा हम सब सुंदर साथ को जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त लगा रखी है कि यदि आप सुहागिन कहलाना चाहती हो तो निश्चित है अपने प्रीतम का सुख लेना पड़ेगा। वो सुख क्या है कि इस निद्रा के ब्रह्मांड में हमें अपने आराध्य को, अपने सर्वेश्वर को, अपने प्राण बल्लभ को देखना ही होगा। संसार के हर ग्रंथ ने उस प्रीतम को पाने की बात कही है। मैंने कल भी प्रातःकाल की चर्चा में कहा था कि सामवेद का पहला मंत्र उससे शुरू होता है कि हे परमात्मा मेरे हृदय मंदिर में आ जा। वेदांत कहता है कि हृदय गुहा में ब्रह्म का दर्शन होता है। वेद कहते हैं कि परम गुहा में ब्रह्म का दर्शन होता है और हम सुंदर साथ कहते हैं कि यदि राज्य को देख लिया तो शरीर छूट जाएगा, इसलिए चितवनी न करो। राज्य को देखा ही नहीं जा सकता, पांच बार तारतम का पाठ कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो। इस भूल भुलैया में सुंदर साथ फंसा हुआ है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन, इतरोसन का तात्पर्य क्या है? हमारा हृदय भी तारतम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए,
हमारे हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाए और सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी को हम जाहिर कर दें, हर व्यक्ति के हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसाएं, इसको कहते हैं रोशन करना। किरंदन की चौपाई ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्तें ला दी, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मौल दिल माफक सुख देसी सुख से बन। परम धाम की जो ब्रह्मात्मा कहलाने का यहां दावा करती है, उसको अपने हृदय को रोशन करना होगा और संसार को तारतम ज्ञान के प्रकाश से रोशन करना होगा, तब वो कह सकती है कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम ही प्रकाश है, प्रकाश वाणी, हृदय में सत्य का उजाला कर देना। कहां है प्राणेश्वर अक्षर अतीत, हम अपने प्राण वल्लभ को कहां खोजते हैं, मंदिरों में खोजते हैं। जहां मंदिर है आपको मालूम है मंदिरों में झगड़े होते हैं, किसके लिए, पदों के लिए। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत जहां बैठे हैं वहां तो झगड़े होने नहीं चाहिए। हाँ, मैं मंदिरों के विरोध में नहीं हूं, मंदिर तो जन जागृति के केंद्र होने चाहिए, मंदिरों से ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए। मंदिरों में केवल सजावट कर दी जाए, सोने के कलश चढ़ा दिए जाए, थंभे लगा दिए जाए, कभी सोमनाथ में भी तो सोने के थंभों से सजाया गया था, आज भी स्वर्ण मंदिर में कितना सोना चढ़ाया गया है, लेकिन उसी स्वर्ण मंदिर में क्या होता रहा है, भिंडरा वाले का निवास बन गया था। मंदिर आस्था के केंद्र हैं, तो मंदिरों से आस्था फैलनी चाहिए, मंदिरों से ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए, मंदिरों से भक्ति की लहर फैलनी चाहिए। मंदिर सुख सुविधा के केंद्र नहीं बनने चाहिए, सोने की दीवारों को सजा देने से, सोने की ईंटों की दीवारों से सजा देने से कभी परमात्मा हृदय में नहीं आता। हृदय को रोशन करना होगा ज्ञान के प्रकाश से। इसलिए हमें हर हृदय को मंदिर बनाना है। हमारा हृदय प्रीतम का मंदिर है, लेकिन हमें खुद बोध नहीं है कि क्या हमारा हृदय प्रीतम का धाम है। पूरी वाणी का एक ही सार है, ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलो। ब्रह्मात्मा के लिए पहला धाम है उसका हृदय, बाद में मूल मिलावे की तरफ जाइए। जो मूल मिलावा हमारे लिए कहा जाता है, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, लेकिन यह भी तो देखिए जो मूल मिलावा हद बेहद से परे है, उस मूल मिलावे वाले को भी वाणी कह रही है कि वो हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, इतना निकट है कि कोई पर्दा नहीं है। वाणी तो हमें ये कह रही है, और निद्रा के ब्रह्मांड में हम ऐसे गुम हो गए हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना होगा। और ये जानते हैं कि नींद कैसी है, इस चौपाई की शुरुआत ही हो रही है, भट परो नींद मोह की, इस निद्रा को धिक्कार है। क्यों, ये नींद ऐसी है जिसने इस सृष्टि को बनाने वाले को भी भुला रखा है। नारायण का प्रकटन कहाँ से होता है, निराकार नींद से। नींद में इस नारायण बना जो इस जीव सृष्टि का परमात्मा कहलाता है, और स्वयं राज्य का तन कहे जाने वाले अक्षर ब्रह्म के संकल्प से ये सृष्टि बनती है, नारायण का प्रकटीकरण होता है। वाणी क्या कहती है उस अक्षर ब्रह्म के बारे में, भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर, हम उठसी भेले सवे जब जासी हमारे घर। भगवान जी भी निद्रा में है। अक्षरातीत की हलादनी, अक्षरातीत की प्राणेश्वरी, अक्षरातीत की प्राणवल्लभा, अक्षरातीत की अंगरूपा कहे जाने वाली ब्रह्मात्माएं भी इस नींद के ब्रह्मांड में आ गई हैं। और तो और, जिस परम धाम को कहा जाता है यहाँ वहदत की भूमिका है, वो खिलवत की भूमिका है। परम धाम में नींद न होते हुए भी नींद जैसी स्थिति है। कैसे, सिंधी में तो नींद शब्द का सीधे प्रयोग कर दिया है, ये नींद दई किन्ने। मूल मिलावे में सभी बैठे हैं, इंद्रावती जी खिलवत के पहले प्रकरण में कह रही हैं, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगे तुम, मेरे प्राणेश्वर मैं आपके सामने बैठी हूं,
लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, आपसे बातें नहीं कर पा रही हूं और आपकी बातों को मैं सुन नहीं पा रही हूं। कैसी विचित्र स्थिति है, सामने हैं, आंखें तो खुली हुई हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारी खुली हुई आंखों में परम धाम नहीं है, हमारे हृदय में हम नजरों देखे जहां संसार को देख रहे हैं और हमें अपनी परात्मकतन नहीं दिख रहा है, हमें अपने जीव के द्वारा धारण किया हुआ ये तन दिख रहा है जो कभी बालक होता है, कभी युवा अवस्था में आता है, कभी बुढ़ापे का शिकार होता है। हम मुर्दों का वासा देख रहे हैं इस दुनिया में, किसी को रोते बिलखते देखते हैं, कहीं श्मशान घाट में जाते हैं तो लोगों को छाती पीट पीट कर रोते हुए देखते हैं, परम धाम में कभी देखा नहीं था। वाणी पुकार कर कह रही है इधर से नजर हटाओ और उधर कर दो। जागने का तात्पर्य क्या है, आप कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हो जब आपको नींद आती है तो क्या आपको मालूम रहता है कि मेरा यह नाम है? क्या आपको मालूम है उस समय कि आप कहाँ सो रहे हैं? सोते हुए व्यक्ति के सामने जाकर कोई व्यक्ति कितने अपशब्दों की बौछार कर दे तो उठने पर उसको मालूम नहीं रहता कि कोई मेरे लिए अमृत वाणी सुना गया है। और खूब उसकी स्तुति भी कर दीजिए, निद्रा में पूछिए कि मैं आप कितनी महिमा गाया हूँ, क्या आपको कुछ मालूम है? कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। नींद का तात्पर्य जब हम स्वयं को भूल जाएं कि हम कौन हैं, जब हम यह भूल जाएं कि हमारी आत्मा का प्रियतम कौन है, उसको कहते हैं निद्रा। आदि नारायण है, आदि नारायण को मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ। अक्षर का मन अव्याकृत जब प्रतिबिंबित होता है इस मोह सागर में, प्रकृति के ब्रह्मांड में, तो उसको कहते हैं नारायण। उसी तरह से भगवान जी यानी अक्षर की सुरता भी इस खेल में आई है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं की नजर ब्रज में आई थी, किसी को मालूम नहीं था कि हम कौन हैं। गोपियों के तनों में उनकी सुरता प्रविष्ट हो गई और अपने को देखने लगी हैं कि मैं ब्रह्मात्मा नहीं हूं, मैं तो एक गोपी हूं। जैसे एक ब्रह्मात्मा की सुरता किसी नेपाली सुंदर साथ के तन में आती है तो क्या कहता है, अपनी पहली पहचान क्या देता है, मैं नेपाली हूं। पंजाबी के तन में आ गई तो क्या सोचता है, मैं पंजाबी हूं। गुजराती के तन में आ गया तो क्या सोचता है, पहली पहचान क्या देगा, मैं गुजराती हूं। स्त्री अपने को क्या समझेगी कि मैं स्त्री हूं, पुरुष क्या समझेगा, मैं तो पुरुष हूं। पहचान तो सबको यही है ना, शरीर की पहचान, जीव की भी पहचान नहीं है कि हमारा जीव क्या है। आत्मा और परम धाम की पहचान तो दूर की बात है, और सबसे बड़ी हंसी की बात क्या है, हम कितनी भी वाणी पढ़ लेते हैं व्यवहार में तो हमारा नहीं आता कि न हम गुजराती हैं, न पंजाबी हैं, न नेपाली हैं, न यूपी के हैं, न हम जाति के बंधनों को तोड़ पाते हैं, न शरीर के रिश्तों के बंधनों को तोड़ पाते हैं, न गरीब और अमीर के रिश्तों को तोड़ पाते हैं। हम केवल वाणी को कहते भर रहेंगे चौपाइयों को याद कर, फिर भी हम नींद में कहे जाएंगे। जागृति क्या, जागृति का तात्पर्य यह है, जैसे एक बार बचपन में जिस स्वामी जी से मैंने 18 साल की अवस्था में योग विद्या सीखी थी, मैंने उनसे पूछा मरने के बाद कैसा लगता है। उन्होंने कहा जैसे दूर से देखने पर लगता है कि ये शरीर था, मैं अलग हूँ। मैंने पूछा कि आपको क्या मालूम है, कहा कि हाँ एक बार मेरे मन में आया तो मैंने अपने जीव को शरीर से बाहर निकाल लिया, मेरे पास जो सेवा में बच्चा था वो रोने लगा, फिर मुझको दया आई, फिर अपने शरीर में मैं घुस गया। मैंने पूछा कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर तो दिख रहा था और ये संसार भी दिख रहा था और मैं पक्षी की तरह उड़ते हुए जा रहा था, ये संसार की कहानी। लेकिन जब तक हमारा जीव इस पुतले में बंधा है, हम इस पुतले को ही अपना रूप स्वरूप मानते हैं, यह हमारा स्वरूप नहीं है। अस्थि मांस का ये पुतला जो अन्न जल से पोषित होता है, पंचभूतों का पुतला है, ये तो धारण किया गया है। इससे भी परे हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से भी परे हमारा कारण शरीर है, कारण शरीर से भी परे हमारा जीव है,
जीव से भी परे हमारी आत्मा है और आत्मा से भी परे हमारी परात्म का तन है। परात्म का तन तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा परात्म का ही श्रृंगार लेकर के बैठी हुई है, जिसको किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है, प्रोटॉन को देखा जा सकता है, हिंग हो सकता है मनुष्य अपनी बुद्धि से सूक्ष्मतम कण हिंग्स बोसोन को भी देख ले, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार को देखने की सामर्थ्य न मनुष्य में कभी हुई है न कभी हो सकेगी। जीव को किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, समाधि अवस्था में ही देखा जा सकता है, तो आत्मा को दुनिया क्या देखेगी। ये तो इन आँखों से हम देखते हैं संसार को, कुछ घंटे जग कर काम कर लेते हैं, कुछ घंटे सो लेते हैं तो कहते हैं कि हम जगे ही तो हुए हैं। कोई अपनी बुद्धि बल से कहता है कि मुझे विवेक हो गया है, लेकिन सच ये है जिसने अपनी आत्मा को नहीं देखा, जिसने अपनी परात्मा को नहीं देखा, जिसने युगल स्वरूप को नक्षसिक तक नहीं देखा, वो निद्रा में ही है। जागने का तात्पर्य यह नहीं कि हमने 5-6 चौपाई याद कर ली, गले में लकड़ी की माला डाल ली तो हम कह रहे हैं कि हम जागृत हो गए। जागने का तात्पर्य यह है कि हमने इस नश्वर संसार से पीठ दे दिया, ये संसार है ही नहीं, न था न है और न कभी रहेगा। मेरे कहने का मतलब, ये जो स्वप्नमयी जगत दिख रहा है, वेदांत की भाषा में ये कहा जाता है, जो शाश्वत सत्य है वही रहता है। यह जगत कुछ समय के लिए बना है, पहले यह नहीं था और बाद में भी यह नहीं रहेगा, फिर बन जाएगा कुछ समय के लिए, फिर अदृश्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न के दृश्य चलते रहते हैं, वैसे ये जगत भी बनता रहता है और लय को प्राप्त होता रहता है। परम सत्य कौन है? एक अद्वैत। और हम उस अद्वैत रूपी महासागर के अर्धांगिनी, हमने इस मिट्टी के पुतले को अपना रूप मान रखा है। हमें अच्छा भोजन मिल जाता है, हमारी इंद्रियों को कहते हैं कि मजा आ गया, आज कितना हमें आनंद आया। कहीं रूखा सूखा मिल गया, कभी भूख लगी तो क्या कहते हैं, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो मुझे खाना ही नहीं मिला। किसको नहीं मिला? इस मिट्टी के हड्डी मांस के पुतले को। आप कौन हैं? आप सच्चिदानंद परब्रह्म की हिला नहीं सकती है। आप उनको प्राणेश्वर कहते हैं तो वो आपको प्राणेश्वरी कहते हैं, आप उनको प्राणवल्लभ कहते हैं तो आपको वो प्राणवल्लभा कहते हैं, और आपने अपनी स्थिति दुनिया के जीवों जैसी बना रखी है। इसलिए धाम धनी ने महामती जी के तन से हमारे लिए कसौटी रख दी है कि एक लेसे सुख सुहाग का सोई सुल्तान का सोई सुहागिन, वही परमात्मा अपने को कहलाए जो अपने धाम धनी का सुख ले तन के रहते रहते। परम धाम में तो सभी ले लेंगे। हमारे समाज में एक आलस्य की हवा चल गई है कि चितवनी करने की क्या जरूरत है, परम धाम चलेंगे तो देख लेंगे, कौन सी बहादुरी होगी। परम धाम में तो जो नहीं करेगा वो भी देखेगा, क्योंकि वहां तो वहदत है। बहादुरी ये कि यहां रहते रहते देखना। इंद्रावती जी ने हमसे में क्या कहा, जो लो आपा नाखियां आंख मिची त्यारे तूने आवे शर्म। जिसको शर्म न आए इसको क्या कहते हैं, बेशर्म। इंद्रावती जी की यही पुकार है, मेरे आराध्य आपके विरह में सब तन विरह खाया गल गया लोहो मांस। मेरे शरीर का रक्त सूख गया है, मांस गल गया है, विरह ने मेरे शरीर को खा डाला है। रोम रोम सूली सुगम खंड खंड खांडाधार पूछ पिया दुख तन को जो तेरी विरहनी नार। मैं आपकी अर्धांगिनी तड़प रही हूँ और क्या जब मेरा शरीर छूट जाएगा तब आपको शर्म आएगी? किसने अधिकार से बोला है? अपने प्रेम का अधिकार जताती हुई इंद्रावती की आत्मा कहती है, जेम नचूं तेम नाचो रिमाला आवी ओछी इंद्रावती ने हाथ। कल खटरुति की चर्चा होगी, प्रसंग आएगा, जैसे मैं नचाऊंगी वैसे ही आपको नाचना पड़ेगा। इस अधिकार से कौन सोचता है? हमने तो एक डरने कांपने की नीति बना रखी है। देवी देवताओं के मंदिर में जैसे जाते हैं डरते कांपते, पता नहीं हमारा कुछ अनिष्ट न कर दें। हमें अक्षरातीत से प्रेम नहीं है, एक भय की दीवार खड़ी कर रखी है। जिससे प्रेम होता है उसे डरने की कभी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो हमसे अलग होता नहीं है। अद्वैत में भय कहाँ? भय तो वहाँ होता है, यदि हम चोरी करें कोई पाप करें तो हमें भय खाना चाहिए। जो हमारा सर्वस्व है
और हमको वो अपना सर्वस्व मानता है, उससे हम डरते हैं। जैसे कल्पना कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी चर्चा सुन रहे हैं, यदि मेरे शरीर से जीव निकल जाए तो क्या करेंगे? हम गड्ढा खोदकर दबा देंगे। मेरी आत्मा शरीर से निकले नहीं तो शरीर का महत्व क्या है? आप क्या कहलाते हैं? ब्रह्मात्मा, परब्रह्म की आत्मा। तो परब्रह्म के लिए जब मेरे लिए एक जीव या आत्मा का इतना महत्व होता है कि शरीर से निकल जाने के बाद शरीर को दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो ब्रह्मात्मा की कीमत कितनी है? आपके बिना तो वहाँ की लीला भी ठप पड़ी है। सिंधी में यही बात इंद्रावती जी हंसी करते हुए कह रही है कि राजी लगता है हमको तो विरह थोड़ा है, हमसे ज़्यादा विरह तो आपको है। परंतु हम में वैसे विरह नहीं होता, लेकिन इंद्रावती जी के कहने का से क्या है? आप चाहकर भी परमधाम से बाहर हमारे तनों को कर नहीं सकते। हम यहां पर आपको देख नहीं पा रहे हैं, परमधाम में भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारे हृदय में नींद का प्रवेश है। आप यहां भी हमको देख रहे हो, परमधाम में भी हमको देख रहे हो, ताकि हमारी अंगनाएं कभी भी हमसे जुदा ना हो जाए। ये प्रेम की भाषा है। जितना अक्षरातीत के हृदय में प्रेम है, हमें भी तो कदम बढ़ाना होगा। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी के इस प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा उस नींद को फटकार रही है। भट परो नींद मोह की, इस अज्ञानता के नींद को धिक्कार है। जो टाली न टले क्यों, जो किसी भी प्रकार से टालने पर टलती नहीं है। कौन चाहता है कि हमारे अंदर नींद बनी रहे? क्योंकि ये निद्रा है जिसने हमें भुला रखा है। हर कोई चाहता है कि मैं जागृत हो जाऊं। 40 लाख की संख्या में सुंदर साथ है, सबके मन में एक ही चाहत है कि हम अपने को जागृत कर लें। जागने की बात सृष्टि के प्रारंभ काल से चली आ रही है। जब तारतम ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ था, उसके पहले से भी ऋषि मुनियों ने ये उद्घोष किया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणि बोधे, उठो जगो। मोह की निद्रा को छोड़ने के लिए सबने प्रयास किया है, लेकिन ये नींद ऐसी है जो छूटती नहीं है, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले नारायण के ऊपर से नींद का आवरण हटता नहीं। भ्रम की बाजी रची विस्तारी, भ्रम सो भ्रम भर माना, ये भ्रम की बाजी है। नारायण को पता नहीं कि मैं कहां से आया हूं। जिस सुमंगला पुरुष की सुरता नारायण के रूप में आई है, सुमंगला पुरुष भी प्रकृति के दृश्य में खो गए हैं, प्रकृति मंडल में उनकी सुरता आई है, तभी तो नारायण बनी है। सुमंगला पुरुष को पता नहीं, चिदानंद लहरी पुरुष को पता नहीं। सबलिक ब्रह्म ने संकल्प किया सृष्टि बने, उनके मन में आता है कि अक्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म ने जो सृष्टि का संकल्प किया, तो ये सृष्टि का नाटक बना और इस खेल में स्वयं अक्षर ब्रह्म की भी सुरता आ गई है। ऐसी ये नींद है नहीं, लेकिन वही सबके लिए आफत बनी हुई है। जो नहीं है उसको दुनिया मानती है को नाही कीजिए सो तो कबू न होए, नाही को है कर सके ऐसा हुआ न होसी को। ये संसार नहीं है तो दुनिया कहती है कि है, परमात्मा है दुनिया कहती है कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है, ये उल्टी कहानी है। कबीर जी ने बहुत हंसी उड़ाई है, रंगी को नारंगी कहे, नारंगी का रंग होता है तो दुनिया कहते हैं कि नारंगी, रंगी को नारंगी कहे, जमे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। गाड़ी चल रही है तो उसको कहते हैं कि ये गाड़ी है, यानी गड़ी हुई है। जो दूध जम जाता है इसको खोया कहते हैं कि तो बिल्कुल बेकार हो गया है, यानी संसार उल्टी राह अपनाता है। परमात्मा है, दुनिया के अधिकतर लोग परमात्मा को मानते ही नहीं है। मैं समझता हूँ आधे से अधिक दुनिया परमात्मा का अस्तित्व मानने के लिए तैयार नहीं है, और आज की नई पीढ़ी को जब धार्मिक क्रियाकलापों से उसको शांति नहीं मिलती
तो साइंस पढ़ने के नाम पर आज की नई पीढ़ी भी परमात्मा को मानने से मना कर देती है। कहीं परमात्मा के नाम पर अंधविश्वास फैला है तो कहीं परमात्मा का ज्ञान ही नहीं मिलता। आप चाइना में जाइए या कई ऐसे देश हैं जहाँ परमात्मा के अस्तित्व को बिल्कुल मना कर दिया जाता है। अक्षरातीत हमारे लिए परमधाम की इस ब्रह्मवाणी को लेकर के आए हैं। जो संसार के सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा, चारों वेद, उपनिषद, दर्शन, कुरान, बाइबिल, इंजील, सारे ग्रंथों को पढ़ लेगा, उसके पश्चात ये तारतम वाणी के में प्रवेश करेगा तो जानेगा इस ब्रह्मवाणी की गरिमा क्या है। हमें नहीं मालूम चल पा रही है। सारे ज्ञान को ग्रहण करने के बाद प्रश्न होता है कि हम उस परम तत्व को जाने। आज तारतम वाणी ने यह तो बता दिया है कि हमारा प्रीतम कौन है, हद और बेहद से परे परम धाम में है और वही हमारी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे हृदय से मोह का आवरण क्यों नहीं जाता है? हम इस शरीर के बंधन में क्यों हैं? कीर्तन में एक चौपाई बहुत मार्मिक आती है, जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अधकिन पीउ न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। इस चौथे चरण पर ध्यान दीजिए, माहे रहे हिलमिल। जितने सुंदर साथियों बैठे हैं, सबने कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं, शरीर को साफ रखे हुए हैं। यह स्थिति हमारे हृदय की हो जाए, हमारे हृदय में पहला ईमान किसके लिए हो जाए? राज्य के लिए। हमारे हृदय में पहला प्रेम किसके लिए हो जाए? राज्य के लिए हो जाए। तो स्वाभाविक है सारी माया हमसे छुमंतर हो जाएगी और एक पल के लिए भी तब हमारे से धाम धनी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो अंदर हमारी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हैं। माहे रहे हिलमिल, जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल। इसलिए दिल की साधना करनी है, अपने हृदय को मंदिर बनाइए। हृदय मंदिर कब बनेगा? अटूट ईमान से, अटूट विश्वास से, अटूट प्रेम से। ये माया का पर्दा हटेगा और तब आपकी आत्मा के धाम हृदय में धनी के चरण कमल दृष्टिगोचर होने लगेंगे। अब इंद्रावती जी की आत्मा उस निद्रा को फटकार रही है जिसने परम धाम की आत्माओं को भुला रखा है। आँखा खोल सीधा कहे, प्रीतम क्या कर रहे हैं? आँखा खोल सीधा कहे, हमारी आत्मिक दृष्टि को उन्होंने खोल रखा है और सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं और तुम कौन। जैसे सागर में एक चपाई आती है, मुंह पकड़ तालुरु के देत कायम सुख संकुल। राज्य धाम धनी परम धाम की इस ब्रह्मवाणी को किसी न किसी रूप में हमारी आत्मा के धाम हृदय में उड़ल रहे हैं। आंखें खुलने का तात्पर्य क्या है? इसी प्रकार से एक प्रकरण आता है, आंखा खोल तू आप अपनी, देख धनी श्री धाम, ले खुशबास याद कर बांध गोली प्रेम काम। ले खुशबास याद कर, तू परम धाम की सुगंध ले, अपने प्राणेश्वर को याद कर। किस तरह से? बांध गोली प्रेम काम, प्रेम की चाहत की भावना से। हमें अक्षरातीत का प्रेम चाहिए, अक्षरातीत की सानिध्यता चाहिए, अक्षरातीत के हृदय में हमारा प्रवेश हो और हमारे हृदय के सिंहासन पर अक्षरातीत के चरण कमल पड़े।